ओम शांति। आज 12 अक्टूबर 2023 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे श्रीमत पर चलो, श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। श्रीमत पर चलेंगे तो कौन से भंडारे हमारे भरपूर हो जाएंगे? गेहूं के, पैसे के, संतुष्ट हो जाएंगे, हमें किस चीज की जरूरत है? अच्छा, स्थूल चीजें नहीं चाहिए तो क्या? सातों गुणों के भंडारे भरपूर हो जाए, ज्ञान का, शांति का, पवित्रता का, सुख का, शक्तियों का। बाबा हमें कोई भी स्थूल वस्तु नहीं देता, ना ही प्राप्त करने की विधि सिखाता है, केवल और केवल सातों गुणों, आठों शक्तियों से हमें संपन्न बनना सिखाते। और क्या होता है? तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएगी। तुम्हारी तकदीर क्या होगी? ऊंची बन जाएगी। क्योंकि अभी भर के जाएंगे तो जितना आप अपने खजानों को हम भरेंगे, खजाने भरने का तरीका याद है कि भूल गए? जितना बांटेंगे, जितना बांटेंगे उतना मिलेगा, वही जमा होता है। जो हमने बांटा नहीं, जो हमने दिया नहीं, वो हमको मिलेगा। जिन आत्माओं को हमने सुख, शांति, आनंद, सहयोग, पवित्रता इनको अनुभव कराया होगा, वही आत्माएं हमें सहयोग देने के लिए मिले। तो बांटना ही, देना ही लेना है, ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। प्रश्न, इस कलयुग में किस चीज का दिवाला निकल चुका है? पवित्रता का, सुख का, शांति का। दिवाला निकलने से इसकी गति क्या हुई है? दुर्गति। कलयुग में पवित्रता, सुख और शांति का दिवाला निकल चुका है, इसलिए भारत सुख धाम से क्या बन गया? दुख धाम बन गया, हीरे से कोड़ी जैसा बन गया है। ये खेल सारा भारत पर है। खेल के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी बाप तुम्हें सुना रहे। इस खेल का, जो सृष्टि का जो खेल है, नाटक है, इसके आदि मध्य अंत का ज्ञान अब बाप तुम्हें सुना रहे हैं। तकदीरवान, सौभाग्यशाली बच्चे ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते। सबने, जो तकदीरवान बच्चे हैं, जो सौभाग्यशाली बच्चे हैं, वही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं। गीत, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला और कोई। ओम शांति। भगवानों वाच, कौन सा भगवान? भगवानों वाच, कौन सा भगवान? भोलानाथ। शिव भगवानों वाच, बाप भी समझाते हैं, टीचर का भी काम है, क्या है? समझाना। सतगुरु का भी काम है,
समझाना। शिव बाबा को ही सत बाबा भोलानाथ कहा जाता है। शंकर को भोला नहीं कहेंगे, क्यों? शंकर को भोला क्यों नहीं कहेंगे? हम शिव को भोला कहेंगे, शंकर को भोला क्यों नहीं कहेंगे? उनके लिए तो कहते हैं आंख खोली तो सृष्टि का भस्म कर दिया, विनाश कर दिया, और तो वो कुछ नहीं करते। मतलब किसी का भला करना ये तो शंकर के कहीं खेल है ही नहीं। उसको शम कराए कह देते हैं शांत, परंतु उसका शांत करने का तरीका भी तो वंडरफुल है ना। वो शांत कर देता है सारे संसार को, भस्म कर दिया, सापे शांत हो गए। परंतु ऐसा भी काम सत्य में शंकर नहीं करता कि वो कोई आंख खोले और सृष्टि भस्म हो जाए, ऐसा काम भी शंकर यहां आकर हम इस विकार को भस्म कर दे। भोला भंडारी शिव को कहते हैं, अर्थात भंडारा भरपूर करने वाला। कौन सा भंडारा? धन दौलत सुख शांति, शब्द यूज किया है बाबा ने, धन दौलत। क्योंकि अब हम अपना धन सफल करेंगे तो सत्युग में हमारा धन भी तो ऑटोमेटिक श्रेष्ठ हो जाएगा ना। बाप आए हैं पवित्रता सुख शांति का भंडारा भरपूर करने। पहली लाइन में कहा है ना, पहले क्वेश्चन नहीं रखा ना, क्वेश्चन होता तो धन दौलत शांति का, फिर कहा बाप आए ही हैं पवित्रता सुख शांति का भंडारा भरपूर करने। कलयुग में पवित्रता सुख शांति का दिवाला निकल गया, सातों गुणों का दिवाला निकल गया है, इसलिए चरित्र का बेड़ा गर्क हो गया है। क्योंकि रावण ने श्राप दिया है। कहां है रावण श्राप देने वाला? हमारे अंदर। हां जी, नहीं, रावण देता ही श्राप है। रावण कहा ही जाता है रुलाने वाले को, रावण का काम ही है पकड़ पकड़ कर उनको रुलाना। रावण ऐसे कर्म कराता है जिसके कारण हम दुखी होते। तो रावण सबके अंदर पहले से ही विराजमान है, वो ऐसे पाप कर्म कराता है जिसके कारण सब रोते। कर्म तो खुद करते, रावण कोई है नहीं जो हमें आके श्राप देगा। रावण का हमने कुछ बिगाड़ा नहीं, कोई अलग से आत्मा है नहीं, तो रावण तो हमारे अंदर है। और माया रावण जो विकारों को, रावण फिर ऑटोमेटिक हमारे से कर्म कराता है ऐसे जो फिर हमारे जीवन में दुख आ जाते। सब शोक वाटिका में रोते पीटते रहते, ये सारी दुनिया क्या है? शोक वाटिका, और इसमें सब रोते पीटते रहते हैं। भोला नाथ शिव बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अर्थात तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ड्रामा को तो और कोई जानते नहीं, इस वर्ल्ड ड्रामा को और तो पूरी दुनिया में कोई जानते नहीं।
क्यों नहीं जानते कि माया ने बिल्कुल बेसमझ बना दिया है। जब बेसमझ हम बन जाते हैं तो बेसमझ कहा जाता है पतित को, या पतित कहा जाता है बेसमझ को। फिर बाबा आकर बेसमझ से समझदार बनाते। भारत का ही ये हार जीत दुख सुख का नाटक, ये नाटक है दुनिया का, दुख और सुख का, हार और जीत। पहले दुख होता है कि पहले सुख होता है, आप बताओ? पहले सुख होता है, हाँ तो बाद में आते हैं। बाबा आकर सारी आत्माओं को सुखी बना देते हैं, चाहे वो 100 नंबर की बने तो, चाहे वो 1 नंबर की बने, चाहे 10 नंबर की बने, चाहे 50 नंबर की बने, परंतु जब भी वो आत्माएं आएंगी उस समय सुखी होंगे अपने हिसाब से, और उसके बाद दुखी हो जाएंगे। भारत हीरे जैसा सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट माना हाँ जी नहीं, सॉल्वेंट विघ्न विनाशक, दिवालिया जिसका दिवाला निकल गया, तो सॉल्वेंट मतलब जिसके सामने कोई भी भरपूर होगा तो उसके कोई भी समस्या नहीं रहे। ससीदा एकदम विघ्न, सारे उसके खत्म, सारी समस्याएं समाधान हो गए। अब कोड़ी जैसा इनसॉल्वेंट है, भारत सुख धाम था, अब क्या बन गया है? दुख धाम बन गया है। भारत हेवन था, अब हेल है। हेल से फिर हेवन कैसे बनता है? हेल से हेवन कैसे बनता है? उसके आदि मध्य अंत का ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर के कोई कोई नहीं समझा सकता, कोई नहीं दे सकता। ये भी बुद्धि में निश्चय होना चाहिए, ये भी हमारी बुद्धि में क्या होना चाहिए? निश्चय होना चाहिए कि और कोई नहीं दे सकता। इससे क्या फायदा होगा? इससे कोई फायदा होगा निश्चय करने से? हम निश्चय कर ले कि सिर्फ भगवान के सिवाय और कोई नहीं दे सकता, इससे कोई फायदा होगा? हमारी बुद्धि इधर उधर नहीं जाएगी, स्थिर हो जाएगी, कि कोई और है ही नहीं। ये बुद्धि में निश्चय हो गया कि परमात्मा के सिवाय और कोई ये रास्ता बताने वाला नहीं है, तो बुद्धि स्थिर हो जाएगी। उस गीता को पढ़ने से स्थिर नहीं होगी, क्यों? क्योंकि उस गीता के 4th अध्याय के 1st श्लोक को यदि पढ़ लिया किसी ने कि ये ज्ञान सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था, जो प्राय लोप हो गया, वो अब मैं तुम्हें सुना रहा हूं। दुनिया के जितने भी पुराण आपको मिलेंगे उसके अंदर भी यही कुछ मिलेगा, ये नारायण ने गरुड़ को सुनाया था, वो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। सूत जी कथा सुनाने लगेंगे, फलाने देवता ने फलाने देवता को ऐसे सुनाया था, मैं तुम्हें सुना रहा। सूत जी बोले, सुखदेव बोले, मतलब उनके अंदर मतलब कहानी किसी और की, तोता मैना की कहानी वो बैठ करके अब सुना रहे, या तोता मैना बैठ कर कहानियां सुना रहे। तो कहने का भाव मेरा यह है कि यहां सिर्फ परमात्मा कहते मेरे सिवाय और कोई समझा नहीं सकता। ये भी बुद्धि में निश्चय होना चाहिए। निश्चय उनको होता है जिनकी तकदीर खुलनी है, जिनकी तकदीर खुलनी होती है उसी को यह निश्चय बैठेगा। जिसकी तकदीर नहीं खुलनी वो हमारे साथ आ भी जाए, हमारे साथ बैठ भी जाए, हमारी ये बाबा की बातें सुन भी ले,
नहीं खुलेगी, समझ में नहीं आएगा कहाँ है भगवान। बाबा के सामने बैठे हुए कह रहे कहाँ है भगवान, उनको नहीं समझ में आ रहा, उनको समझ में। जो सौभाग्यशाली बनने वाले हैं, दुर्भाग्यशाली तो सब है इस समय, सारे कौन है। अब इन दुर्भाग्यशाली में से जो सौभाग्यशाली बनने वाले हैं उनको समझ में। दुर्भाग्यशाली माना, बाबा पूछ रहे हैं, दुर्भाग्यशाली माना जिनकी तकदीर बिगड़ी हुई है, भ्रष्टाचारी हैं। तकदीर बिगड़ी हुई का क्या पता लगा कि जो कर्म भ्रष्टाचार वाले कर रहे हैं। बाप आकर श्रेष्ठाचारी बनाते हैं परंतु उस बाप को भी कोई मुश्किल समझ सकता, क्यों? क्योंकि उनको देह नहीं है। सुप्रीम आत्मा बात करती है, पावन आत्माएं होती ही हैं सतयुग में। कलयुग में सब पतित हैं, अनेक मनोकामनाएं लेकर जगदम्बा के पास जाते हैं, जानते कुछ भी नहीं, फिर भी बाप कहते हैं जो जो जिस जिस भावना से पूजा करते। याद आता है गीता के, दुनिया वाली गीता के 7वें अध्याय का 21वां श्लोक है, जिसमें लिखा है मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की प्रेरणाओं से प्रेरित होकर अलग अलग देवी देवताओं की पूजा अर्चना करता है। मैं उस देवी देवता में उसके श्रद्धा व भक्ति को बनाए रखने के लिए इच्छित फल देता। सेम वही शब्द बाबा बोल रहे हैं, सेम देख लो, वही के वही शब्द है। जो जो जिस जिस भावना से पूजा करते हैं तो मैं उनको अल्पकाल क्षण भंगुर के लिए फल दे देता, दर्शन कर लिए। जड़ मूर्ति कभी उसका फल नहीं दे सकती, जड़ मूर्ति कभी उसका फल नहीं दे सकते। ये क्यों कह रहे हैं बाबा ऐसा? क्योंकि भगत बच्चों को लगे ये वाक्य में सही बात है, हमारी गीता में भी लिखा हुआ है और यहाँ बाबा भी के भगवान भी कह रहा है, ये ठीक बात, बिल्कुल सही बात है। चाहे बाद में मुकर जाए, बाद में शिव बाबा मुकर जाए ये, परंतु उन बच्चों को, क्योंकि जिन्होंने गीता को पढ़ा है वो कहेगा ये बिल्कुल ठीक, यही भगवान, यही वहां लिखा हुआ, यही यहाँ लिखा हुआ। क्योंकि वो अपनी थोड़ी सी भी किसी की बात मिलती हुई मिलेगी, नहीं समझे बात को। ये बाबा केवल भक्तों को पकड़ने के लिए, भक्तों को आथत देने के लिए, रोकने के लिए उनको कह रहे। बाकी बाद में तो मुकर जाएगा ना बाबा, तो मुकर जाता है, बाबा के मुकरने में देर नहीं लगती। हाँ जी, लगता है ना। अब कोई मंदिर में जा रहे थे, जब मैं मंदिर में पूजा कर रहा था मैं अपने आप को समझता था बस बाकी सारे पागल है, नरक में जाएंगे, ये तो उठते भी नहीं, कुछ करते भी नहीं, मैं हूँ बस। मतलब एक नशा रहता था, मतलब पूरी फैमिली में क्या बस मैं ही हूँ, सवेरे उठते ही शुरू हो जाओ, और मतलब ताकत थी ना, ये भी चाहे वो कुछ भी था, मतलब चाहे अब हमें पता लगता है कि वो बेकार था, परंतु वो भी एक नशा था। मतलब आज के हिसाब से लगता है ना, मतलब
चलो, मतलब हमें समझ में आया कि हम मतलब वो भगत जब दूसरे भी भक्ति करते हैं, चाहे वो पूजा कर रहे हैं, चाहे पाठ कर रहे हैं, चाहे वो पत्थर की कर रहे हैं, चाहे किसी करे, तो उनको देखो ना कितना उनमें उमंग, उत्साह, नशा, खुशी है। परंतु ये बाबा नहीं देता, ये उनकी भावना का भाड़ा उनको मिल जाता, ये भावना का भाड़ा उनको मिल जाता। फल देने वाला, अल्पकाल सुख देने वाला मैं ही हूं, और बेहद का सुख का दाता भी मैं ही हूं, बेहद के सुख का दाता भी मैं ही हूं, मैं दुख दाता नहीं हूं, मैं तो दुख हरता सुख करता हूं। तुम आए हो सुख धाम में क्या करने के लिए? स्वर्ग का वर्षा पाने। तुम आए हो सुख धाम में स्वर्ग का वर्षा पाने। इसमें परहेज बहुत है, इसमें परहेज बहुत है। बाप समझाते हैं, आदि में है सुख, फिर मध्य में है भक्ति, मार्ग शुरू होता है तो सुख पूरा हुआ। भक्ति शुरू होती है मतलब सुख खत्म, सुख पूरा हो गया, दुख शुरू हुआ। फिर देवता वाम मार्ग में चले गए, विकारी मार्ग में गिर पड़ते हैं, जहां से ही फिर भक्ति शुरू होती है। तो आदि में सुख, मध्य में दुख, आदि में सुख, मध्य में दुख शुरू होता है, अंत में तो महान दुख है। कलयुग के अंत में क्या हो जाता है? महान दुख होता है। बाप कहते हैं, अब सर्व का शांति सुख दाता मैं हूं, सर्व का शांति सुख दाता मैं हूं, तुमको सुख धाम में चलने लिए तैयार कर रहा हूं, सुख धाम में चलने लिए तैयार कर रहा हूं, बाकी सब हिसाब किताब चुक तू कर शांति धाम में चले जाए, बाकी सब शांति धाम में चले जाए। सजाएं तो बहुत खाएंगे, सजाएं तो बहुत खाएंगे, ट्रिब्यूनल बैठती है, याद है ट्रिब्यूनल कब बैठेगी? कब बैठेगी ट्रिब्यूनल बता दो। हाँ जी, विनाश का तो 1 सेकंड का टाइम है, तो कौन ट्रिब्यूनल में बैठेगा और कौन जाएगा? तो ट्रिब्यूनल तो बैठनी है ना, फिर ट्रिब्यूनल कब बैठनी है? अच्छा, जो बेकार है उनकी तो बैठनी नहीं, मतलब जो भिखारी हैं, जो गंदे हैं, जो सुधरे नहीं है, उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठनी नहीं है। हाँ जी बोलो, ठीक बोल रहे हैं। हाँ, बिठाओ ट्रिब्यूनल। अभी ट्रिब्यूनल रोज बैठती है, हाँ, इसी समय, हाँ, घुटन होती है, ये ट्रिब्यूनल बैठती है, ये ट्रिब्यूनल अभी बैठती है। ये बाबा ने 69 से पहले कहा था, ठीक है कि नहीं? नहीं बैठेगी नहीं, हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। ट्रिब्यूनल अभी रोज बैठती है, जो अपने आप को चेक करने के लिए बैठते तो पता लगता है कि मैं कहां कहां गलती करके आया हूं, कहां कहां गलती करके आया हूं, और फिर
तो घुटन होती है, फीलिंग आती है कि मैं ना करता तो अच्छा होता ना। नहीं, वो तो धर्मराज वाली बात अलग है, ये बात है क्योंकि अब तक हम ये समझते थे कि लास्ट में ट्रिब्यूनल बैठेगी, जैसे आपने कहा कि लास्ट में ट्रिब्यूनल बैठेगी, हम ये भी साथ में चर्चा करते थे कि ट्रिब्यूनल उसे कहा जाता है जिसमें 3, 5, 7, 21 जज बैठते हैं ताकि वो न्याय करे। पर तो यहाँ 3, 5, 7 नहीं, ऑटोमेटिक खुद को खुद बाबा महसूस कराता है कि आज मैंने कहाँ कहाँ गलती की और जहाँ जहाँ गलती की वो मेरे सामने आता है, मुझे महसूस होता है। केवल उसके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है जो अब अंतर्मुखी बनने का पुरुषार्थ करता है। जब तक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब तक अंतर्मुखी नहीं बनेगा, स्वयं को जांचने का पुरुषार्थ नहीं करेगा, तब तक उसे क्या पता लगेगा कि मैंने कहाँ गलती की है और उसकी सजा मिलेगी। गलती का जब हमें याद आएगा कि हमने गलती की है तो सजा की भी फीलिंग होगी कि मैं काश ऐसा ना करता तो मेरा पद आगे बढ़ सकता था, जा सकता था। और अच्छी तरह बताया, बाबा ने समझाया है, काशी में भी बलि चढ़ते थे, काशी कलवट कहते हैं ना। अब काशी में है शिव का मंदिर, तो उसमें काशी कलवट कैसे खाते, आज बाबा बता रहे, वहां भक्ति मार्ग में शिव बाबा की याद में रहते हैं, कहते हैं बस अब आपके पास आऊं, बहुत रो रो कर शिव पर बलि चढ़ते। तो अल्पकाल क्षण भंगुर थोड़ा फल मिल जाता। अब ये रोना कौन सा है, दुख वाला कि सुख, रो रो कर बलि चढ़ते प्यार वाला, ये रोना प्यार वाला है। नहीं, पर जो है ना काशी कलवट खाते थे वो कोई दुखी नहीं होते थे, वो दुखी होकर के नहीं जाते थे, वो भक्ति से बकायदा सवेरे स्नान करके पूजा अनुष्ठान करके मंदिर में मथा टेक के फिर जाके शिव पर सबके सामने सबसे छुट्टी लेकर कूदते थे और शरीर के टुकड़े टुकड़े होकर शिवलिंग पर बलि चढ़ जाते, मतलब अपने आप ऑटोमेटिक कूदना, आरो से कटना और टुकड़े टुकड़े होना और नीचे शिवलिंग पर बलि चढ़ना, फिर उसका महाप्रसाद बनाते थे और वो खाते। नहीं जी नहीं, ऐसे गलत बातें नहीं होती, महाप्रसाद माना महाप्रसाद जो शिव पर कुर्बान हुआ। ये और किसका बनाएंगे भाई, मैं बताओ क्या बात करते। चलो, यहां तुम बलि चढ़ते हो अर्थात जीते जी शिव बाबा का बनते हो, अर्थात क्या बनते हो, शिव बाबा का बनते हो 21 जन्म का वर्षा पाने के लिए। जीव घात की बात नहीं, इस शरीर का घात करने की कोई बात नहीं है। जीते जी बाबा मैं आपका, वे तो शिव पर बलि चढ़ते हैं, मर जाते हैं, समझते हैं हम शिव बाबा का बन जाऊंगा। नहीं नहीं भाई नहीं, आपने लाइन नहीं सुनी, फिर मैं सुनाता हूँ आपको। नहीं जी नहीं, दिख मैं अभी लाइन फिर मैं सुनाता हूँ लाइन आपको। शिव मंदिर, वहां भक्ति मार्ग में शिव बाबा की याद में रहते हैं, कहते हैं बस अब आपके पास आऊं। लाइन क्या है ये, बस अब आपके पास आऊं,
बहुत रो रो कर शिव पर बलि चढ़ते, खुशी से रोते है ना, बस मैं अभी आपके पास आऊं। आने के लिए माँ बाप परमात्मा से मिलने के लिए रोने वाली दुख वाली रोना तो नहीं है ना, इसलिए क्वेश्चन किया था कि खुशी के आंसू है या रोने के आंसू, क्योंकि हम परमात्मा से मिलने। अब जैसे मामा आ जाए, आपको मामा से मिलने जाना हो, कैसे जाएंगे, रोते हुए कि हंसते हुए? हाँ भाई, उनका वैर शरीर से मोह खत्म हो चुका है, और अब उन्हें ये शरीर का मोह नहीं लगता। जब कोई सती होने जाती है उसे शरीर का मोह नहीं होता, उसे ये दर्द का एहसास नहीं होता कि मेरा शरीर आग में जलेगा। जो मैं समझ रहा भाई, जो भी है कारण, जो भी हो, दुख कहो चाहे खुशी कहो, चाहे उसे सामाजिक प्रथा कहो, परंतु यहाँ तो कोई जीने मरने वाली बात नहीं है ना, यहाँ तो सिर्फ मैं परमात्मा से मिलने जा रहा हूं ना, उनके सामने ये नशा है, ये खुशी है, इस बात को समझना है। वे तो शिव पर बलि चढ़ते हैं, मर जाते हैं, समझते हैं हम शिव बाबा का बन जाऊंगा, परंतु बनते नहीं। यहां तो जीते जी बाप का बने, गोद में आए, फिर बाप की मत पर चल रहे। याद करने का मतलब बाबा की मत पर, श्री मत पर चलना, ये है योग। तभी श्रेष्ठ देवता बन सकते हैं, जब परमात्मा की श्री मत पर चलेंगे तभी तो देवता बन सकते हैं। तुम अब बन रहे हो, कल्प कल्प तुम ये पुरुषार्थ करते आए हो, ये कोई नई बात, पहली बार तो आप पुरुषार्थ नहीं कर रहे, हर कल्प ये पुरुषार्थ करते आए हो। दुनिया पुरानी होती है, फिर जरूर नई चाहिए, फिर जरूर नई चाहिए ना। भारत नया सुख धाम था, अब पुराना दुख धाम है। मनुष्य इतने पत्थर बुद्धि हैं जो ये नहीं समझते कि सृष्टि एक ही, दुनिया को यही नहीं पता, वो अभी तक भी यही एलियंस आएंगे, वो वहां होगा, वो वहां होगा। बाबा कहते सृष्टि एक ही है और कोई नहीं, वे सिर्फ नई और पुरानी होती है। माया ने बुद्धि को ताला लगाए, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है, इसलिए ऑक्यूपेशन जानने बिगर ही देवताओं की पूजा करते रहते हैं। जितने भी देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, किसी एक का भी ऑक्यूपेशन नहीं जानते, किसी एक का भी ऑक्यूपेशन नहीं जानते। गणेश का ऑक्यूपेशन, जिसकी सबसे पहले पूजा करते हैं, क्या करता है अभी वो? नहीं मतलब क्या क्या करता है वो, बता के बताओ जरा। पता चल गया तो सोचो, भक्तों से पूछो और उनसे पूछो क्या बताएंगे। आप यदि भगत हो तो क्या बताएंगे? अंधन को आंख दी, कोड़न को काया, एक तो बताओ किस अंधे को आंख दी, एक तो बताओ जिसको कोड़न कोड़न को काया दियो, आ सारे मैं अंधे वहां बिठा देता हूं, एक को तो आंख दे देवे, किसी एक बीमार को तो ठीक कर देवे। मतलब जो गा रहे हो, जो सुन रहे हो, जो सुना रहे हो, मतलब एक भी तो काम करके दिखाओ ना। हाँ तो लगी होती है, अब बेचारे भगत तो उसी प्रकार से कि वहां जाएंगे, जब कोई किन्नी का वहां होता है तो वो फिर जाके बैठ जाते हैं फटाफट, भाई बस आप जरा ऑपरेशन ठीक कर दियो। तो मतलब मेन बात क्या होती है? और तो कुछ नहीं, क्योंकि उनकी भावना है कि अब और तो कोई रास्ता है ही नहीं, और कोई सहारा है नहीं, और बीके भाई बहन क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को कहेंगे भाई थोड़ा मेरे पापा के लिए, मम्मी के लिए, बच्चे बच्चे के लिए, मेरे लिए ऑपरेशन है, पेपर है, आप योग करना, यही कहेंगे। बीबी के भाई बहन क्या कर रहे हैं? कोई घर में बीमार हुआ,
खुद पेपर देना हुआ तो आपस में जो ग्रुप में डालते हैं ना भाई, तो यही है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूजा करते रहते हैं, इसको अंधविश्वास कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अंधविश्वास कहा जाता है। देवियों की पूजा में करोड़ रुपया खर्च करते हैं। देवियों की पूजा आ गई है ना, नवरात्रि आ रहे हैं, उनकी 9 दिन तक पूजा करके खिला पिला करके वो कुछ खाती पाती नहीं है, पंडित का पेट भर जाता है, खिला पिला करके फिर समुद्र में डुबो देते। तो ये गुड़ियों की पूजा हुई, क्या है गुड़ियों की पूजा हुई ना। नहीं, भगवान तो समझा, डुबोते इसलिए है ना, मैंने आपको बताया था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं जब शुरू शुरू में ज्ञान में चला था तो एक महाराष्ट्र का भाई आया था मेरे पास नीचे, तो उसको मैं समझाने बैठा, तो मैंने जैसे उसको ये बताया तो कभी ना इसलिए करते, कहते हाँ हम बप्पा मोरिया को एक दरवाजे से बाहर निकालते, पीछे से खिड़की से मांस को अंदर करते, जब तक बप्पा मोरिया को हम समुद्र में विसर्जित करके आएंगे तो तैयार मिलेगा। मतलब इतना, मतलब ये उसके शब्द थे, मुझे ये भूलते नहीं, उसने मुझे कहा कि हम ऐसा करते। अब सारे ऐसा करते हैं कि नहीं करते वो उनका पार्ट है, परंतु उसने इस बात को एकदम जैसे मैंने उसको समझाया, कहता है राइट, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मतलब एक्चुअल में 9 दिन तक हमने देवियों की पूजा की, नीचे सोए, प्याज लहसुन घर में नहीं लाए, मांस मदिरा घर में नहीं आया। पंडित जी कब तक ऐसे करना पड़ेगा, इसको बाहर निकालो, इसको मैं पानी में डलवा देता हूं, आप तुम खूब खाओ। हाँ जी ठीक है, जितना करना है बस, जितना भी मतलब कहने जोड़ा रख लो, मतलब 2 जने रख लो तो 1 दिन में काम खत्म हो गया। मतलब कहने का यह है कि पंडितों ने कहा कि तुम जैसे कहो, तुम्हारी हिम्मत जितनी है उतनी करो, बस पैसे मिल जाते हैं। उसको पैसे से मतलब है, साहब का 1 दिन डलवाने जाएगा मुश्किल हो जाएगी, किसी का एक को दूसरे को कमाई चलती रहेगी। मतलब कहने का ये हम ब्राह्मणों का ही काम है लोगों को समझदार बनाना, उनको लूटना। इससे फायदा क्या? कितना धूमधाम से मनाते हैं, खर्चा करते हैं, हफ्ता बाद जैसे शमशान में दफन करते हैं वैसे ये फिर सागर में डुबो देते हैं। भगवानोवाच, ये आसुरी संप्रदाय का राज्य है, मैं तुमको देवी संप्रदाय बनाता हूं। कोई का निश्चय बैठना बड़ा कठिन, क्यों? क्योंकि साकार में नहीं देखते ना, उनकी आदत पड़ी हुई है साकार रूप में देखने की। अब परमात्मा तो साकार रूप में दिखाई पड़ता नहीं है। आगा खां साकार में था तो उनको कितने फॉलोअर्स थे, उनको सोने हीरो में वजन करते थे, इतनी महिमा कोई बादशाह की भी नहीं। जितनी महिमा आगा खां की थी ऐसी महिमा कोई बादशाह की भी नहीं होती। तो बाप समझाते हैं, इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि स्थाई सुख तो नहीं है ना, बहुत गंदे भी होते हैं, बड़े बड़े आदमियों से बड़े पाप होते हैं। जो बड़े बड़े आदमी होते हैं उनके पाप भी बड़े होते हैं। बाप कहते हैं मैं गरीब निवास हूं, गरीबों से इतना पाप नहीं होगा, गरीब इतने पाप नहीं करेंगे। इस समय सब पाप आत्माएं हैं, अभी तुमको बेहद का बाप मिला है, फिर भी घड़ी घड़ी उनको भूल जाते हो। अरे तुम आत्मा हो ना,
आत्मा को भी कभी कोई ने देखा नहीं, आत्मा को भी कभी कोई ने देखा नहीं। समझते हैं स्टार मिसल भृकुटी के बीच रहते, स्टार मिसल भृकुटी के बीच में रहती है। जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर खलास हो जाता है, उसी समय गलना सड़ना शुरू हो जाता है। तो जरूर मुझ आत्मा का बाप भी हमारे जैसा होगा, परंतु वे सुख का सागर, शांति का सागर है, निराकार वर्षा कैसे देंगे? जरूर भृकुटी के बीच में आकर बैठेंगे ना, इस ब्रह्मा बाबा की भृकुटी के बीच में आकर बैठेंगे। आत्मा अब ज्ञान धारण कर दुर्गति में, दुर्गति से सदगति में जाती, दुर्गति से सदगति में जाती। अब जो करेगा सो पाएगा। बाप को याद नहीं करते तो विकार विनाश नहीं होंगे, वर्षा भी नहीं मिलेगा। बाप को याद नहीं करेंगे तो वर्षा भी नहीं मिलेगा। कोई को आप समान वर्षा पाने लायक नहीं बनाते हैं। मतलब यदि आपने किसी और को बाप से वर्षा पाने के लायक नहीं बनाया तो समझते पाई पैसे का पद पाले कौन, जिसने किसी और को नहीं बनाया, किसी ने किसी और को बाबा से वर्षा पाने के लायक नहीं बनाया, इसका मतलब उसको वो खुद भी नहीं पा सकता, उसको भी पता नहीं है। पता होता तो वो दूसरे को भी बना देता। अपना अनुभव कैसे आपने बाबा से वर्षा पाया है वो अनुभव दूसरों को दो, ताकि वो भी वर्षा पा सके, तब आपका खजाना जमा होगा। ये बाप बैठ समझाते हैं, भ्रष्टाचार श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी किसको कहा जाता है, ये बाप बैठ समझाते हैं। भारत में ही श्रेष्ठाचारी देवताएं होकर गए हैं, गाते भी हैं हेवनली गॉड फादर, परंतु जानते नहीं, जानते नहीं कि हेवनली गॉड फादर कब आकर सृष्टि को हेवन बनाते, वही नहीं जानते। तुम जानते हो, सिर्फ पूरा पुरुषार्थ नहीं करते, जानते हो, सिर्फ पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो, वो भी ड्रामा अनुसार होना है, वो भी ड्रामा अनुसार होना, क्योंकि जितने जितना पुरुषार्थ करना है, जितने जिसने जितना पुरुषार्थ करना है उतना ही तो करेगा, फालतू तो कर ही नहीं सकता। कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही करेगा, उतना ही समझेगा, उतने ही पद का वो अधिकारी बनेगा। जितना जिसकी तकदीर में है। बाबा से अगर कोई पूछे तो बाबा झट बता सकते हैं कि इस चलन में अगर तुम्हारा शरीर छूट जाए तो ये पद पाएंगे। पूछे कोई तो बाबा बता सकते, परंतु परंतु क्या कहेंगे बाबा, पूछने की भी हिम्मत कोई नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि पता है, पता है मैं कुछ कर नहीं रखा, क्या पूछे, क्यों बेकार में सामने बेइज्जती करवा में अपने पूछे, क्या किया हो तो पूछे, नजदीक हो कहीं चलो भी थोड़ी बहुत कसर बता देंगे तो बाबा निकाल दो, परंतु जिसने किया ही नहीं वो पूछे क्या, पूछने की भी तो हिम्मत नहीं है। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो समझ सकते हैं हम कितने अंधों की लाठी बनते,
कितने अंधों की लाठी बनते हैं। बाप भी समझ जाते हैं, ये अच्छा पद पाएंगे। ये बच्चा कुछ भी सर्विस नहीं करता, ये बच्चा कुछ भी सर्विस नहीं करता तो वहां भी क्या बनेगा, जाकर दास दासी बनेंगे। वहां जाकर दास दासी बनेंगे, झाड़ू आदि लगाने वाले, श्री कृष्ण की पालना करने वाले, महारानी का श्रृंगार करने वाले दास दासियां भी होते हैं ना। हर प्रकार के दास दासियां होते हैं, वे हैं पावन राजाएं। और आजकल ये कौन है, पतित राजाएं। तो पतित राजाएं पावन राजाओं के मंदिर बनाकर उन्हों की पूजा करते हैं, जानते जानते कुछ भी नहीं, जानते कुछ भी नहीं। बिरला मंदिर कितना बड़ा है, कितने लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं, परंतु जानते नहीं कि लक्ष्मी नारायण कौन है। पूछ के देखो, बिरला से बाबा कहते पूछो, ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने, इन्होंने क्या किया जो ये लक्ष्मी नारायण बन गए। किसी भी पंडित से पूछ लो, किसी को भी नहीं पता कि ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने। फिर उनको कितना फायदा मिलेगा, अल्पकाल का सुख। जगत अंबा के पास जाते हैं, ये थोड़े ही जानते हैं कि जगत अंबा ही लक्ष्मी बनेगी। उनको ये नहीं पता कि जगत अंबा ही जाकर क्या बनेगी, लक्ष्मी बनेगी। इस समय तुम जगत अंबा से विश्व की सब मनोकामनाएं पूरी कर रहे हो। मम्मा से, जगत अंबा से क्या कर रहे हो, विश्व की सब मनोकामनाएं पूरी कर रहे हो। विश्व का राज्य ले रहे हो, जगत अंबा तुमको पढ़ा रही है, वही फिर लक्ष्मी बनती है, जिससे फिर वर्ष वर्ष भीख मांगते रहते हैं। कितना फर्क है, लक्ष्मी से हर वर्ष पैसे की भीख मांगते हैं। लक्ष्मी को ऐसे नहीं कहेंगे, हमको बच्चा चाहिए या बीमारी दूर करो। लक्ष्मी को नहीं कहेंगे बच्चा चाहिए या कोई बीमारी है उसको दूर करो। लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं, नाम ही है लक्ष्मी पूजन। जगत अंबा से तो बहुत कुछ मांगते, वे सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। अभी तुमको जगत अंबा से मिलती है, अभी तुमको जगत अंबा से मिलती है स्वर्ग की बादशाही। लक्ष्मी से हर वर्ष कुछ ना कुछ धन का फल मिलता है, तब तो हर वर्ष पूजा करते हैं, तब तो हर वर्ष पूजा करते रहते हैं। धन प्राप्ति के लिए भी पाप करते, धन प्राप्ति के लिए भी पाप करते। समझते हैं धन देने वाली है, धन से फिर पाप करते रहते हैं और धन प्राप्ति के लिए भी पाप करते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रत्न, जिससे तुम माला माल बन जाएंगे। जगत अंबा से स्वर्ग की राजाई मिलती है, वहां पाप होता नहीं, वहां पाप होता नहीं। कितनी समझ की बातें हैं, कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो कुछ समझते नहीं, क्योंकि तकदीर में नहीं है, क्योंकि तकदीर में नहीं है। श्रीमत पर नहीं चलते तो
श्रीमत पर नहीं चलते तो श्रेष्ठ थोड़े ही बनेंगे, श्रेष्ठ थोड़े ही बनेंगे, फिर पद भ्रष्ट हो जाता, पद भ्रष्ट हो जाता है। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, ये समझना है। गॉड फादर हेवनली किंगडम स्थापन कर रहे, फिर भारत हेवन बन जाएगा, फिर भारत क्या होगा, हेवन बन जाएगा। इसको कहा जाता है कल्याणकारी युग। यह है बहुत से बहुत, मतलब एक भाई ने क्वेश्चन पूछा, कोई मुरली है अब मैं कहां याद रखूंगा जिसमें लिखा हो कि संगम युग 100 वर्ष का है। अभी पूछा उसने क्वेश्चन, किसने पूछा था मुझे नहीं पता, मुरली को कहां संभाल के रखूं। तो बहुत से बहुत 100 वर्ष का युग, ज्यादा से ज्यादा 100 साल। ये नहीं कहता पापा 100 साल का है, बता नहीं रहा, मतलब ये गोलमोल बातें है ना पापा की, इसलिए 36 कह दो, 36 से 36 कह दो, गोलमोल रखी हुई है बात। विनाश की डेट कोई निकाले ना, ये बताएगा नहीं, कोई निकाल नहीं सकता, और सिर खाने वाले सिर खाते रहेंगे। एक सेकंड पहले बाबा बताएगा नहीं, एक सेकंड पहले भी नहीं बताएगा, जो हम तैयारी कर लेंगे। वैसे एग्जाम की डेट बता देते हैं सारे दुनिया में, ये बाबा अच्छा। नहीं और ज्यादा खाएंगे, नहीं नहीं और ज्यादा खाएंगे, और ज्यादा खाएंगे, कहेंगे विनाश के बाद तो मिलना नहीं, अभी तो विनाश में 1 साल पड़ा है, 1 महीना तो खूब खा लो, फिर 11 महीने बैठ के तपस्या करेंगे, फिर 11 महीने के 11 महीने बहुत है, 1 महीना और खा लो, लास्ट टाइम तक नहीं सुधरेंगे, और ही खाएंगे ज्यादा से ज्यादा। अब तो विनाश हो जाना है, स्वर्ग में तो खाना ये मिलना नहीं है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा अभी खा लो, सारे वैरायटी अभी पेट में डाल लो। हाँ, और सभी युग 1250 वर्ष के, अजमेर में वैकुंठ का मॉडल है, दिखलाते हैं स्वर्ग कैसा होता है। स्वर्ग तो जरूर यहां ही होगा ना, इसी धरती पर होगा ना, थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आएंगे, आपने थोड़ा भी ज्ञान सुन लिया स्वर्ग में आएंगे, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो जैसे भील, भील जानते आदिवासी हैं, ये पहाड़ों पर रहते हैं, अब तो खैर शहरों में हो गए, आबू में भी भील रहते हैं, अब तो भील सुधर गए हैं, काम करने हमारे इसमें भी आते हैं। हाँ, हमारे बस सिर्फ फर्क इतना है कि उनका जीवन पढ़ाया नहीं किसी ने, अब तो पढ़ रहे हैं ना बच्चे, पर शुरू शुरू में जो भील हुआ करते थे, देश आजाद हुआ नहीं था, अब तो भीलों को पढ़ाई, उनकी सुविधाएं उनको मिल जाती है ना, तो अब काफी सुधार उनके जीवन में, परिवर्तन आ गया है, अब उनकी वो अवस्था नहीं। अब राष्ट्रपति देखो ना, ये भी तो आदिवासी, और क्या, हाँ द्रौपदी मुर्मू ये भी तो आदिवासी है, बाद में पढ़ी है ना, मतलब इनके गांव जिस टाइम ये पैदा हुई उस टाइम तो ये आदिवासी थे ना, उसके बाद पढ़ी तो ये बने। तो ऐसे वो जो हमारे सेंटर पर बर्तन साफ करने सफाइयां करने आते हैं, सब आदिवासी है मैक्सिमम, तो अब उनका जीवन में परिवर्तन आ गया, पर तो पढ़ेंगे नहीं तो जैसे भील है। प्रजा भी नंबर वार होती है ना, परंतु वहां गरीब साहूकार सुख सबको रहता है, यहां तो दुख ही दुख है। भारत सतयुग में सुख धाम था, कलयुग में दुख धाम है, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी
रिपीट होनी है। गॉड एक है, वर्ल्ड भी एक है, गॉड एक है, वर्ल्ड भी एक है। परम शांति वाला क्या कहता है? अनेक यूनिवर्स है, मैं अनेक यूनिवर्स का शिव बाबा हूं। ये शिव बाबा तो सिर्फ एक पृथ्वी का है, और क्या, मैं इसका भी महाशिव परम शिव मैं हूं। ये शिव है, मैं परम शिव। और बुढ़ा है, चला नहीं जाता, ये बादशाहपुर में रहता है। हाँ, ये बादशाहपुर में रहता है। हाँ, इसका घर मैं देख के आया हूं। हाँ, बहू है, बेटा है, सर। गॉड एक है, वर्ल्ड भी एक है। नई वर्ल्ड में पहले भारत, अभी भारत पुराना है, जिसको फिर नया बनना है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऐसे रिपीट होती रहती है, और कोई इन बातों को नहीं जानते। सब तो एक जैसे नहीं होते, सब तो एक जैसे नहीं होते हैं। मर्तबे तो वहां भी रहेंगे, मर्तबे तो वहां भी रहेंगे। वहां सिपाही लोग होते नहीं, वहां सिपाही लोग होते नहीं, क्योंकि वहां डर होता नहीं। कहां नहीं होते सिपाही लोग? सतयुग में सिपाही नहीं होते, पुलिस नहीं होती, कोर्ट नहीं होते, डॉक्टर नहीं, वकील नहीं, सिर्फ कौन होते? ड्राइंग टीचर होते, बस, और कोई नहीं होते। वहां सिपाही लोग होते ही नहीं, क्योंकि वहां डर होता ही नहीं। वहां, यहाँ तो डर है, इसलिए सिपाही आदि रखते हैं। भारत में टुकड़े टुकड़े कर, भारत में क्या कर दिए? टुकड़े। सतयुग में पार्टीशन होता नहीं, लक्ष्मी नारायण का एक ही राज्य चलता है, पाप कोई होता नहीं। अब बाप कहते हैं, बच्चे मेरे से सदा सुख का वर्षा लो, मेरी मत पर चलकर सदगति का मार्ग। एक ही बाप दिखाते हैं, ये है शिव शक्ति सेना, ये है शिव शक्ति सेना। सदगति का मार्ग एक बाप ही सिखलाते हैं, जो भारत को स्वर्ग बनाती है। ये शिव शक्ति सेना क्या करती है? भारत को स्वर्ग बनाती है। ये तन मन धन सब इस सेवा में लगाते हैं। उस बापू जी ने क्रिश्चियन को भगाया, ये भी ड्रामा में था। कोई नई बात नहीं है, परंतु उनसे कोई सुख नहीं हुआ। भाई क्रिश्चियंस चले गए, पर तो कोई भारत सुखी तो नहीं हो गया ना। ये मिलेगा, ये होगा, मिलना है सिर्फ बाप से। मिलना किससे है? सिर्फ बाप से। बाकी ये तो सब खत्म हो जाएगा। कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो, उसके लिए कितना माथा मारते रहते हैं, होगा कुछ भी नहीं। बर्थ कंट्रोल होगा नहीं, क्योंकि आत्मा ऊपर से आनी है। बर्थ कंट्रोल कैसे हो जाएगा? उन आत्माओं को जन्म तो देना ही है ना, कहां जन्म लेंगे? अभी थोड़ी लड़ाई शुरू हो जाए, क्या होगा फिर? लड़ाई शुरू हो जाएगी तो क्या होगा? नहीं, पहले लड़ाई शुरू हो जाएगी तो क्या होगा, ये बताओ। नहीं, लड़ाई शुरू होने पर थोड़ा दुनिया खत्म हो जाएगी? लड़ाई शुरू हो जाए तो क्या होगा? अभी आप देख रहे हो लड़ाई शुरू हो गई है, कुछ हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, सामान की कमी आती जा रही है। तो उसके बाद बाबा ने लिखा है, यहाँ फैमन पड़ जाएगा। भाई देखो, जो सामान जहाँ से आना है, और उस देश का सामान तो नहीं आएगा ना जो सब देश बंद हो गया। मदद करेंगे, सामान का आना जाना कम हो जाएगा, तो जिसके कारण क्या आ जाएगा? फैमन, अकाल पड़ जाएगा। और जब अकाल पड़ता है तो उसके साथ साथ क्या होता है? फिर आप रोटियां खा रहे हो, मैं भूखा बैठा हूं, मेरी
आंतरी या बाहर आने को है। तो मैं तो पहले रोटी से पहले तो एक दो में मारा मारी हो जाएगी, एक दो में मारा मारी हो जाएगी, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है ना। अभी देखो ना, हफ्ते 10 दिन के अंदर कितनी महंगाई बढ़ गई है। जो दाल 120 थी, 100 कौन, हाँ मतलब क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, अकाल होगा ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, जीते जी बाप पर बलि चढ़ना, अर्थात बाप का बनकर बाप की ही श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। नंबर दो, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर जगदम्बा समान सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला बनना है। वरदान, सेवाओं में सदा सहयोगी बन, सेवाओं में क्या करो, सदा सहयोगी बन, सहज योगी का वरदान प्राप्त करने वाले। और सहयोगी बनेंगे तो आपको सहज योग का वरदान प्राप्त हो जाएगा। और विशेषता संपन्न भव, गुणों से संपन्न हो जाएंगे। ब्राह्मण जीवन विशेषता संपन्न जीवन है। विशेषता संपन्न का मतलब सातों गुणों से भरपूर होना, संपूर्ण बनना। ब्राह्मण बनना अर्थात सहज योगी भव, ब्राह्मण बनेंगे बनना अर्थात सहज योगी भव का वरदान प्राप्त करना, यही सबसे पहला जन्म सिद्ध जन्म का वरदान है। यही सबसे पहला जन्म का वरदान है। इस वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना, ये है वरदान को जीवन में लाना। वरदान को कायम रखने की सहज विधि है, ये वरदान हमारे पास कायम रहे, सहज विधि है सर्व आत्माओं के प्रति वरदान को सेवा में लगाना। कैसे लगाएंगे वरदान को, हम सहज योगी कैसे हुए? हम क्या मतलब, हमें थोड़ा सहज योगी बताओ, सहज योग बताओ। सहयोग तो हो गया, जब हम बाबा की सेवा में लगेंगे तो उसमें बाबा की श्रीमत पर ही चलेंगे ना, क्योंकि बाबा की सेवा तब है जब हम श्रीमत पर करें, बाबा की डायरेक्शन पर करें। यदि हम बाबा की डायरेक्शन के अनुसार नहीं कर रहे हैं, वो कोई सेवा थोड़ा हो सकती है। जो बाबा की डायरेक्शन के अनुसार हम नहीं कर रहे हैं, वो सेवा ही नहीं है। नहीं, बाबा ने सेवा कहा, आज की सेवा में सहयोग, मतलब बाबा के यज्ञ की सेवा में सहयोगी। तो बाबा के यज्ञ के सेवा में सहयोगी, सेवा मीन्स तभी है जो हम बाबा की श्रीमत से अनेक आत्माओं को जागृत करने का, उन्हें अपना अधिकार दिलाने का पुरुषार्थ करें। और वो भी हम श्रीमत पर करेंगे तो वो जागेंगे। यदि हमने वो श्रीमत पर नहीं किया तो कोई भी आत्मा जागने वाली नहीं है, वो सेवा भी नहीं है। तो जब हम श्रीमत पर चल रहे हैं तो हमने उंगली किसकी पकड़ रखी है, बाबा की। हम जब श्रीमत पर काम कर रहे हैं तो हमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती ना,
हमारा योग टूटने वाला नहीं है ना, हमारा कनेक्शन बाबा के साथ जुड़ा हुआ है। कनेक्शन टूटता है जब हम किसी दूसरे का कहना मानते, किसी दूसरे प्रकार की सेवा करना चाहते। सेवा भी तभी कर सकते हैं तो जब उंगली पकड़ कर चल रहे हैं, हमारा देखना, हमारा बोलना, हमारा सोचना, हमारा सुनना, हमारा कोई भी कर्म करना बाबा की श्रीमत पर है तो बाबा याद है, योग लगा हुआ है। उसके लिए हमें कोई मेहनत तो ना करनी पड़ती है, हमें कोई आसन तो ना लगाना पड़ता है, हमें कुछ भी तो नहीं करना पड़ता। हम बाबा की श्रीमत पर सोच रहे हैं, बाबा की श्रीमत पर बोल रहे हैं, बाबा की श्रीमत पर कर्म कर रहे हैं, तो हम बाबा की याद में हैं, तो सहज योगी हो गए ना। तो ऐसी विधि हम जब सीख जाते हैं तब हम औरों को भी आप समान बना सकते। सेवा में सहयोगी बनना ही सहज योगी बनना है, तो इस वरदान को स्मृति में रख विशेषता संपन्न बनो। स्लोगन है, अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना। क्या करोगे अब आप? मैं आत्मा हूं, आपकी इस स्मृति का अनुभव औरों को हो। मेरा जीवन इस स्मृति के आधार पर ऐसा बन जाए मुझे देखते ही श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार, कि ऐसा हम भी करें तो हम भी देवता बन सकते। ये आपके जीवन से सबको महसूस, हमारे जीवन से औरों को महसूस हो ये वाक्य में देवता है। हम भी ऐसे बन जाएं तो हम भी देवता बन जाएंगे। तो श्रेष्ठ मंजिल, क्योंकि देवता बनने वाले हैं या बन रहे हैं, तो ये श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। वो भी कहेंगे कि इधर चलो, इसके पास चलो, इसके पास कुछ ना कुछ है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।